हेलो दोस्तों, एमआरएसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्प्लिट एसी का पंप डाउन कैसे किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। ऑलरेडी हम आप लोगों को थ्योरी में बताए हैं बोर्ड पर कि किस तरह से हम लोग किस लाइन को पहले क्लोज करेंगे, किस तरह से करेंगे तो हमारा पंप डाउन होने लगेगा। हमारा टोटल जो गैस है, पंप डाउन करने का मतलब ये होता है कि हमारा जितना भी रेफ्रिजरेंट सिस्टम के अंदर है उसको कंडेंसर में हम लोग स्टोर करते हैं। जैसे कि हमारा इंडोर इंड को सर्विस करना हुआ या कोई भी लीक अगर हमको अगर उसको फाइंड आउट करना हुआ, बनाना हुआ, इंडोर इंड का कुछ भी काम करना हुआ तो लो साइड का काम करने के लिए हम लोग पंप डाउन करते हैं। तो अभी हम आपको जैसा कि दिखाए थे, ये हमारा दो लाइन आप जैसा देख रहे हैं, ये पतला वाला जो लाइन है ये हमारा लिक्विड लाइन है, ठीक है। और ये जो हमारा लाइन है ये थोड़ा इससे इसके मोटा वाला लाइन, ये हमारा सक्शन लाइन है, ठीक है, जो कंप्रेसर से कनेक्टेड रहता है। ये हमारा ये देख रहे हैं डेकिन का यूनिट है, ठीक है, 2 टन का यूनिट है ये। और ये कॉन्ट्रेक्टर हमारा यहाँ पे है, ये देखिए ये डेकिन का, ठीक है। और इसके बाद इसका देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है ये 14.3 एम्स मैक्सिमम इसका करंट लेगा। और इसका फ्यूज का एम्स है 25 एम्पियर का। पावर सप्लाई 220/240 है, ठीक है। R22 रेफ्रिजरेंट इसके अंदर जो 2.5 kg चार्ज किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पंप डाउन करने के लिए सीखेंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हमारा डेकिन का इंडोर यूनिट है, यहाँ पे इंडोर यूनिट लगाया हुआ है। जब हम पंप डाउन करने लगेंगे उस टाइम पंप डाउन होने के बाद जो है ये जो आप स्विच देख रहे हैं ना, ये स्विच को हम लोग को ऑफ करना होगा, जिसके चलते कंप्रेसर हमारा फिर बंद हो जाएगा। या फिर अगर कोई आदमी है तो आपको यहाँ पे उसको स्टे कराना है, खड़ा रहेगा वो और उसको आप जैसा उसको बोलेंगे कि बंद करना है तो वो बंद कर देगा। और नहीं तो आप उधर में ही आउटडोर यूनिट में वायर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं ऑफ करने के लिए। हाँ दोस्तों, तो जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे ये गैस का प्रेशर दिखा रहा है 50 PSIG, हमारा R22 रेफ्रिजरेंट है, इसका 50 PSIG प्रेशर दिखा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे पंप डाउन करने के लिए, ये वाला जो लाइन है लिक्विड लाइन को हम लोग क्लोज करेंगे। तो ये हमारा नीचे जाएगा, प्रेशर जो है नीचे डाउन की ओर जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनली इसको हम फुल क्लोज कर लिए। देखिए यहाँ पर जो है ये डाउन पोजीशन में जाने लगा, ठीक है, ये वैक्यूम पोजीशन में आने लगा। अब हम क्या करेंगे सक्शन, देखिए आवाज़ भी चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे सक्शन लाइन का जो बल्ब है इसको हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। और 6 का, ठीक है, ये हम लोग ये सक्शन लाइन के बल्ब को क्लोज कर रहे हैं। जाइए आप क्लोज कीजिए, इंडोर यूनिट को बंद कीजिए, ठीक है, आप अच्छा से वैक्यूम हो लेने दें। उसके अभी जितना भी रेफ्रिजरेंट है ये हमारा सब कंप्रेसर का आउटडोर में स्टोर हो गया, ठीक है। क्या है ना, अगर सिस्टम को अभी जैसे ही हम लोग सक्शन लाइन का बल्ब बंद करना स्टार्ट करेंगे उस टाइम ही हम लोग सिस्टम को बंद कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोग दोनों बल्ब को क्लोज करके अगर चलाएंगे ना तो हमारा सिस्टम पर इफेक्ट आता है। इसलिए अगर 2-4-5 PSIG अगर हमारा पंप डाउन करने में अगर बाहर निकल भी जाता है रेफ्रिजरेंट तो हमारा कोई इशू नहीं है, हो गया। तो अभी क्या है कि हम लोग ये यहाँ से फ्लेयर को खोलकर, यहाँ से फ्लेयर को खोलकर ये हम लोग आउटडोर यूनिट को अलग कर सकते हैं। ये जो आप आउटडोर यूनिट देख रहे हैं ना, ये आउटडोर यूनिट को हम लोग अलग कर लेंगे और इंडोर यूनिट को हम लोग यहाँ से अलग कर सकते हैं। तो ये हम लोग कर लिए। अभी जब हमको इसको वापिस रनिंग करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको लिक्विड लाइन का बल्ब को ओपन करेंगे, जो रेफ्रिजरेंट है पूरा चारों तरफ चला जाएगा। अभी देख रहे हैं ना, अभी ये रेफ्रिजरेंट जो है पूरा 0 से नीचे में है, मतलब कि अभी हमारा अच्छा से पूरा जो है रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में स्टोर हो गया, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए लिक्विड लाइन को जस्ट जैसे क्लोज किए थे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज हम ओपन करेंगे, ठीक है। देखिए अभी इसके अंदर रेफ्रिजरेंट आ गया, हल्का खोलने के बाद ही जो है रेफ्रिजरेंट आ गया,
ठीक है, इसको फुल ओपन कर लेंगे, जितना था ये फुल ओपन कर लिया। ओके, और उसके बाद अब सक्शन लाइन का बचा, ये सक्शन लाइन को भी हम लोग ओपन कर लेंगे। ये सक्शन लाइन के भी बल्ब को फुल हम लोग ओपन कर लिए, समझ गए। बाद में आप जब इसको ओपन कर लेंगे तो लीक चेक वगैरह अच्छा से कर लें, समझ। तो यही था आज का वीडियो आप लोग को बताने का मकसद। अभी हम लोग इसको रनिंग करेंगे तभी सेम वैसा ही स्टार्ट हो जाएगा।